हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मम्मी सिंपल तरीके से आलू की सब्जी कैसे बनाते हैं। मैंने प्याज काट लिया है और इसको फ्राई कर रहे हैं तेल के अंदर। जब ये फ्राई हो जाएगा थोड़ा, इसे लाल लाल से हो जाएगा, उसके बाद इसमें टमाटर डाल देते हैं और टमाटर को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और हमने इसमें टमाटर डाल दिया है, फिर इसमें नमक डाल देते हैं। टमाटर डालने के बाद ही हम नमक डालेंगे। मैंने नमक भी डाल दिया है और मिर्चा, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर सब मिक्स में डाल देंगे। पाउडर भी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा लाल करेंगे हल्की आंच पर और फिर इसमें आलू डाल देंगे। ज़्यादा जल्दी नहीं चाहिए, धीरे धीरे से पकाएंगे तो अच्छा इसका होगा। और अब हम गैस को भी साफ कर दे रहे हैं। गैस थोड़ा गंदा हो गया था, आज तक मैंने पकौड़ी बनाई थी, इसी वजह से गैस हम उसको पक दिया। अभी मसाला तो भून गया है, अब हम इसमें आलू डाल देते हैं और आलू को अच्छे से मिला देंगे। इसके अंदर मसाला अच्छे से मिल जाए, उसमें पानी डाल दिया है। अब झाँक कर इसको पकने देंगे। और फ्रेंड्स, आलू की सब्जी बन गई है। अब मैं बना ले रही हूँ जल्दी से रोटी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आलू की सब्जी रेडी हो गई है और जल्दी से हम रोटी भी बना लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाला आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।